गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। देखो बच्चों, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर का क्या मीनिंग है। एक्चुअल में जो कंप्यूटर आज हम यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये कंप्यूटर स्टार्टिंग से ही ऐसा था। जो यूज़ करते हैं, जैसे कि हम बहुत सारे काम करते हैं आज के टाइम में हम कंप्यूटर पे, तो पहले ऐसा नहीं था। बहुत सारा टाइम लगा कंप्यूटर का इस तरह का मॉडल और इस तरह का वर्किंग बनाने में। और जब जब ये हमारा कंप्यूटर बना है, तो उससे पहले बहुत सारी मशीनें बनी थी जो डिफरेंट डिफरेंट काम करने के लिए हम यूज़ करते थे। वो ना तो इतनी फास्ट थी, ना इतनी एडवांस थी। तो जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर में हम वो सारे पुराने डिवाइसेस या कैलकुलेटिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं, जो टाइम टू टाइम डेवलप होते रहे। और आज के टाइम में ये हमारा जो कंप्यूटर का मॉडर्न, जो हम मॉडर्न कंप्यूटर देख रहे हैं, जो बहुत सारे वर्क करने के लिए हम लोग काम में लेते हैं, ये डेवलप हुआ। तो इन्हीं के बेस पे जो टाइम टू टाइम हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस डेवलप हुए, डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आई, इसी बेस पर जो कंप्यूटर्स हैं उसकी 5 जनरेशंस मानी गई हैं। जनरेशन फर्स्ट, जनरेशन सेकेंड, जनरेशन थर्ड, जनरेशन फोर्थ एंड जनरेशन फिफ्थ। अलग अलग जनरेशन्स में इसलिए इनको बांटा गया है क्योंकि जब जब एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, एक नई टेक्नोलॉजी हमने यूज़ करनी स्टार्ट करी है, तो उसे एक अलग जनरेशन का नाम दे दिया गया है। ठीक है, और अलग अलग टाइप के हम लोग डिवाइसेज इसमें डेवलप कर पाए थे। तो वन बाई वन करके इन जनरेशन्स को हम पढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जनरेशंस, या जैसे हिंदी में अगर हम बोलें तो जनरेशंस की पीढ़ियां। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। टेल अबाउट डिफरेंट जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। इसमें हम जो हमारी डिफरेंट जनरेशंस हैं, अलग अलग तरह की जनरेशंस हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, वो हमें उनके बारे में बताएंगी। स्टेट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। और इस लेसन में हमें ये भी पता चलेगा कि जो अलग अलग टाइप की, अलग अलग जो जनरेशंस थी टाइम टू टाइम जो डेवलप हुई, उनकी अपने आप में क्या करेक्टरिस्टिक्स थी, क्या उनके गुण थे। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इट इज़ पावरफुल एंड स्मॉल इन साइज। ये बहुत ही पावरफुल है और इसका साइज बहुत छोटा है। बट इट वॉज नॉट लाइक दैट ऑन अर्ली टाइम। लेकिन पहले के टाइम में ये ऐसी बिल्कुल नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं था हमारा कंप्यूटर इतना छोटा सा और इतना फास्टर और इतना पावरफुल। इट हैज़ बीन थ्रोन मैनी डेवलपमेंट्स। इसको आज के मॉडर्न जो हमारा कंप्यूटर है, इसको डेवलप करने में बहुत सारी डेवलपमेंट्स लगी। दीज डेवलपमेंट्स आर कैटेगराइज इन 5 जनरेशंस ऑफ बेस ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजीज यूज्ड। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज हुई, इस बेस पर हमने इन डेवलपमेंट्स को 5 जनरेशंस में कैटेगराइज किया है। लेट अस स्टडी अबाउट देयर जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर इन डिटेल। आओ कंप्यूटर की जनरेशंस को डिटेल में पढ़ते हैं। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जनरेशंस क्या हैं। तो कंप्यूटर की, जैसे अभी हमने पढ़ा है, कितनी जनरेशंस हैं, टोटल 5 जनरेशंस हैं जिनमें अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजीज का यूज़ हुआ है। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, सबसे पहले हम समझते हैं कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मीनिंग क्या है। द टर्म जनरेशन रेफर टू ए स्टेप इन टेक्नोलॉजी। जब एक कोई नई टेक्नोलॉजी बनती है, एक स्टेप उसमें कि यानी एक अलग चेंज डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी में, वो क्या कहलाता है कि एक नई जनरेशन डेवलप हुई है। इन अदर वर्ड्स, जनरेशंस प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर कंप्यूटर इंडस्ट्री टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरियस टेक्नोलॉजीज। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो जनरेशन है वो हमें प्रोवाइड करती है, वो देती है क्या, एक फ्रेमवर्क, एक ऐसा फ्रेमवर्क ऑफ कंप्यूटर इंडस्ट्री टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरियस टेक्नोलॉजीज, जिनसे इंडस्ट्रीज अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजी में डिस्टिंग्विश फर्क कर पाती है, यानी एक नई टेक्नोलॉजी मिलती है हमको, तो हम कहते हैं कि एक नई जनरेशन आई है। ईच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज मार्क्ड बाई अ मेजर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। हर एक जनरेशन में एक बहुत अच्छी, बहुत मेजर टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है।
लेट अस हैव अ ग्लिम्पस ऑफ डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, आओ अलग अलग तरह की जनरेशंस की ग्लिम्पस, उनकी ग्लिम्पस के बारे में जानते हैं कि क्या क्या उनके फीचर्स रहे हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे वो हमारे थे 1946 से लेके 1959 तक, ठीक है। जो 1946 से 1959 तक कंप्यूटर में जो भी डेवलपमेंट आई थी उन सबको हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के अंदर कहते हैं। इसमें इनके क्या क्या फीचर्स थे ये हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि इसके फीचर्स हैं वैक्यूम ट्यूब्स, यूज इन साइज, पंच्ड कार्ड्स, मशीन लैंग्वेज, और इसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। दैट मीन्स जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता था, वो साइज में बहुत बड़े थे, उनमें पंच्ड कार्ड का यूज़ होता था, मशीन लैंग्वेज उसमें यूज़ होती थी, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड टू कंट्रोल एंड एम्पलीफाई द सिग्नल। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें क्या यूज़ होते थे, थाउजेंड्स ऑफ हजारों वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी, और इन हजारों वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी, और इन वैक्यूम ट्यूब्स का क्या वर्क था, इट कंट्रोल्स एंड एम्पलीफाई द सिग्नल, जो सिग्नल होता था उसे कंट्रोल करते थे और उसको एम्पलीफाई यानी जिस तरह का चेंज हमें चाहिए वो होता था। द वैक्यूम ट्यूब्स प्रोड्यूस्ड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड बर्नड आउट फ्रीक्वेंटली। जो ये हमारी वैक्यूम ट्यूब्स थी ये बहुत लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करती थी और कई बार फ्रीक्वेंटली बहुत जल्दी से जल भी जाती थी कई बार, जो ये हमारी वैक्यूम ट्यूब्स थी, क्योंकि ये हीट बहुत ज़्यादा जनरेट करती थी इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूज इन साइज, ये साइज में बहुत बड़े थे। कंप्यूटर्स वर वेरी ह्यूज एंड बल्की इन साइज, जो हमारे कंप्यूटर्स थे वो साइज में बहुत बड़े और दिखने में बहुत विशाल लगते थे। देयरफॉर दे रिक्वायर्ड अ लार्ज रूम फॉर इंस्टॉलेशन, इसलिए उनको इंस्टॉल करने के लिए, उनको सेट करने के लिए हमें एक बहुत बड़े रूम की नीड पड़ती थी। ऑल्सो द रूम हैड टू बी प्रोबेबली एयर कंडीशन, और बेहतर होता था कि हम वो रूम हमारे एयर कंडीशनिंग होने चाहिए, एसी वाले रूम होने चाहिए जो कूल रहें, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी, जो वैक्यूम ट्यूब वाली टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होती थी वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती थी, जिससे कि हमें एयर कंडीशनिंग की नीड पड़ती थी ताकि वो हीटअप ना हो। पंच्ड कार्ड्स वर यूज्ड टू फीड डाटा इनटू दीज कंप्यूटर्स, जो पंच कार्ड थे उनका यूज़ हुआ था इस जनरेशन में क्या करने के लिए, डाटा को फीड करने के लिए, इनपुट देने के लिए। दे परफॉर्म्ड कंप्यूटेशंस इन मिली सेकेंड्स, ये कुछ कंप्यूटेशंस को मिली सेकेंड्स में परफॉर्म कर देते थे। सो वर द फास्टेस्ट कंप्यूटर ऑफ द टाइम, इसलिए ये उस समय के सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर थे। नेक्स्ट है आपका मशीन लैंग्वेज, जो फर्स्ट जनरेशन वाले जो हमारे कंप्यूटर थे उनमें कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है, बाइनरी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज कहते हैं, जिसमें जीरो और वन का यूज होता है। द इंस्ट्रक्शंस वर फीड इन मशीन लैंग्वेज यूजिंग बाइनरी डिजिट जीरो एंड वन, दो जो इंस्ट्रक्शंस थी, जो हमारे कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शंस देते थे काम करने के लिए, कमांड देते थे, उनको हम मशीन लैंग्वेज में उसको फीड कराते थे, देते थे उसमें इनपुट देते थे जो, और ये मशीन लैंग्वेज जो थी वो कौन से डिजिट्स यूज करती थी, बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी डिजिट्स कौन से होते हैं, जीरो एंड वन। इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट टू लर्न द प्रोग्राम कोड टू परफॉर्म टास्क, इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट, ये थोड़ा मुश्किल था टू लर्न द प्रोग्राम कोड टू परफॉर्म टास्क, टास्क को कराने के लिए जो हम प्रोग्राम कोड को हमें लर्न करना पड़ता था, जो सीखना पड़ता था वह क्या था, थोड़ा डिफिकल्ट था, मुश्किल था। सो दे हैड लिमिटेड कॉमर्शियल यूज, ये क्योंकि इनको यूज़ करना कैसा था, मुश्किल था, क्योंकि इसमें जो कोड यूज़ होता था उसके लिए एक्सपर्ट लोगों की नीड होती थी, इसलिए इनका जो कॉमर्शियल यानी बिजनेस के लिए जो यूज़ था वो बहुत कम, या हम कह सकते हैं ना के बराबर होता था। इसके एग्जांपल हैं एनआईक, एडवेक, यूनिवेक, आईबीएम 701 एंड आईबीएम 650। ये आपके एग्जांपल्स हैं कौन से, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे। ये वैक्यूम ट्यूब्स का स्ट्रक्चर था, ये वो वैक्यूम ट्यूब्स थी जो हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में यूज़
होते थे। ये था हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की कुछ करेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर बताऊंगी सेकंड और फर्दर जो बाकी की जनरेशन्स हैं उनके बारे में। इस वीडियो में इतना ही। अगर इसमें कोई आपको डाउट है तो आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।